हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपकी टेस्ट होने वाली है प्रधान शिक्षक की, और प्रधान शिक्षक का यहां पर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का टेस्ट होने वाला है, यानी कि सामान्य अध्ययन का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। और ये 75 प्रश्न अभी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेंट अफेयर और साइंस और सोशल साइंस के सवाल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो आपको सिलेबस के अनुसार लिया गया है। सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग डिस्क्राइब भी करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। आप लोग भी अपना अपना आंसर करते चलना है और कमेंट करते चलना है, लास्ट में ये भी बताना है कि आपने कितना सही किया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज होगा टेस्ट नंबर दोस्तों 30 नंबर। टोटल अभी तक 30 टेस्ट हो गया है नए बैच में, और इसमें समान अध्ययन DLED दोनों का टेस्ट है, ठीक है। तो 9 बजे से डेली आपकी टेस्ट चलती है। टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और हमारे लाइव क्लास में डेली आप 9 बजे से जुड़ जाइएगा। अपने आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, वहाँ से आप इसमें जुड़ जाइएगा, आराम से इसको देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा फायदा हो सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे, फिर साइंस के प्रश्न देखेंगे, फिर हम लोग सोशल साइंस के प्रश्न देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको एक नंबर भी दिया गया है दोस्तों, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ करके यहां पर आपको सभी PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF के लिए भी स्पेशल ऑफर आप सभी को दे दिया गया है, है ना। मात्र इसमें 399 आपको चार्ज था, जिसमें आपको इसमें आपको ऑफ भी कर दिया गया है ना, अभी मात्र आपको 299 इसमें आपको लग जाएगा, ठीक है। मात्र इसमें 100 रुपया जिसमें लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आज से अगर जिनको लेना होगा तो मात्र 299 में से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और करेंट अफेयर की जो शुरुआत होती है वो आपका शुरुआत होगा आपका 21 से, ठीक है। इसमें आपको DLED का भी टेस्ट चलता है डेली, और DLED के अलावा आपका समान अध्ययन आज होगा, पार्ट नंबर 1 है। और पहला सवाल कह रहा है कि देख लीजिएगा, पहला सवाल क्या है 21 नंबर का है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, चुनाव आयोग से आपका ये प्रश्न है, और एक अभियान शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और इस अभियान का नाम है मेरा पहला वोट किसके लिए, तो देश के लिए। याद रखना है, मेरा पहला वोट देश के लिए, ये जो अभियान शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ये किसके साथ मिल करके किया गया है, है ना। फटाक से आप आंसर जवाब दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, है ना। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चुनाव आयोग ने मिलकर के ये जो आपका अभियान है, इस अभियान का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है। चलिए 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मेरा जो पहला वोट देश के लिए दिया गया है आखिर वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर शिक्षा मंत्रालय, ठीक ना, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो जल्दी से बताना है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना नोट कर लीजिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी आपको 25 जनवरी 1950 को, है ना, 25 जनवरी 1950, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारतीय निर्वाचन आयोग की, ठीक है। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइएगा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो निर्वाचन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार है, याद रखना है राजीव कुमार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 22 नंबर की, हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है दोस्तों, है ना। हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, ये आपको बताना है। तो इसरो का नाम तो सुने होंगे, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के मुख्यालय कहाँ है, अगर मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय इसका हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में इसका भी मुख्यालय है,
इसरो का अध्यक्ष कौन है? पता है आप लोग को इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, हाँ ना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस राज्य में आधारशिला रखा गया? दोस्तों तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में आधारशिला रखा गया था, याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु में, स्थापना 15 अगस्त 1969 को, अध्यक्ष एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं दोस्तों? 23 नंबर आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नए लोकपाल के रूप में अजय मणिक राव खानविलकर, है ना, अजय मणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है, याद रखना है। नए लोकपाल यही है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कि प्रथम लोकपाल कौन बने थे, वर्तमान में तो अजय मणिक राव है, प्रथम लोकपाल कौन बने थे? तो प्रथम लोकपाल जो थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये प्रथम लोकपाल थे, याद रखिएगा, ठीक है। और लोकपाल का जो पद है ये किस देश से लिया गया है? अगर पूछे तो स्वीडेश हो जाएगा, सॉरी स्वीडन, स्वीडेश नहीं, स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन से लिया गया था दोस्तों आपको लोकपाल का पद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि किरण बलियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों बाद भारत के लिए पहला कांस्य पदक किस खेल में जीती है? बताइए। तो किरण बलियान की बात चल रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एशियाई खेल से आपको प्रश्न आपको पूछ सकता है। 72 वर्षों के बाद भारत के लिए पहला कांस्य पदक जो जीती है, है ना, ये किस खेल में जीती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोला फेंक, है ना, गोला फेंक में आपको जीता गया है, आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। भारत दोस्तों एशियाई खेल जो 2023 में हुआ है ना, इसमें टोटल भारत कितना पदक जीता है? 107 पदक अभी भारत इसमें टोटल जीता है, ध्यान रखना है, जिसमें से 28 आपको स्वर्ण है, 38 आपको रजत है और 41 आपका कांस्य पदक है, ठीक है। चलिए, प्रथम स्थान पर कौन रहा था एशियाई जो आपका खेल हुआ था? तो चीन इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, जापान इसमें दूसरे स्थान पर रहा था, और दोस्तों तीसरा पे कौन रहा था? तीसरा पे था ये, क्या नाम था इसका, कोरिया, ठीक है। तो ये था तीसरा स्थान पर, भारत 107 पदक इसमें जीता था और भारत था इसमें चौथे नंबर पर, एशियाई खेल जो 2023 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? देखिए 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये आयोजन किया गया था आपको युगांडा में। कहां किया गया था? युगांडा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था ये प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, तो प्रथम सम्मेलन इसका हुआ था 1961 ईस्वी में और ये हुआ था आपको बेलग्रेड में, ठीक है। प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में और 1961 में हुआ था, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। इस टाइम जो हुआ है ये 19वां सम्मेलन है आपका, ठीक है, 19वां सम्मेलन है और ये युगांडा में हुआ है। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला, है ना, युगांडा की राजधानी कहां है? कंपाला में ही ये आयोजित किया गया है। और वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो 120 देश शामिल हुए हैं अभी, है ना, 2024 में आपका हुआ है ये सम्मेलन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन जो आपका हुआ है, ठीक है, प्रथम बार 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, उस समय 25 देश इसमें भाग लिया था, अभी 120 देश इसमें भाग लिया है। ये भी कई बार पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने खाली स्थान यहां पर भरना है को मिलाकर अपनी
परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। तो किसको मिलाकर के दोस्तों ये आपसे पूछा है, भारत सरकार ने मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग मतलब जो था ना, ये अवधि पूछ रहा है ये कब से कब तक था। तो 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो 2020 से लेकर के 25 तक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो भारत सरकार 2020-25 को मिलकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया। एक प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो 15वें वित्त आयोग है ना, इसके अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा NK सिंह है ना, NK सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं, जिनकी सिफारिश जो है वो 2026-27 से लेकर के 2031-32 तक लागू रहेगा। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के भी आप याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 27 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी वो संस्था है जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, ये भारत सरकार की योजना है दोस्तों। तो ये योजना जो है कौन सी वो संस्था है ना, वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। तो ये संस्था हो जाएगा आपका भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC भी आप कहते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक ना, तो ये है भारतीय जीवन बीमा निगम जो संस्था, ये भारतीय प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगर आपसे पूछे कि LIC की स्थापना कब हुई थी है ना, तो इसकी स्थापना आप नोट करिएगा 1956 में इसकी स्थापना होती है LIC की। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की प्रारंभ कब होती है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है आपको 4 मई 2017 को। ठीक है, 4 मई 2017 को है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है ना। तो इसरो यानी कि भारत के द्वारा दोस्तों, इसरो जो है ये भारत का स्पेस सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था ना। तो ये लॉन्च जो किया गया है रॉकेट से, पूछ रहा है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो रॉकेट था दोस्तों LVM3 है ना, LVM3M4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, LVM3M4 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था, और ये जो लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 14 जुलाई को है ना, याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी, और दोस्तों चंद्रयान 3 जो है ये सफल लैंडिंग किया था चंद्रमा पर। और ये कब सफल लैंडिंग किया था आपको याद होगा, 23 अगस्त को है ना, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग किया गया था इसरो के द्वारा दोस्तों, मतलब जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा श्रीहरिकोटा से, वो 14 जुलाई को हुआ था। लेकिन चंद्रमा पर जाने में तो समय लगेगा ना, तो चंद्रमा पर ये लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को दोस्तों सफल लैंडिंग हुआ था चंद्रमा पर है ना। तो ये आपको यहां से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक अभी बाघों की संख्या की अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, तो क्या होगा है ना, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है जल्दी से बताइएगा। क्या होगा, देखिए भारत में अभी सबसे अधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा बाघ है, और बाघों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक अगर वन की बात करें, जंगल की बात करें, तो वन की भी संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है, वो भी आप यहां से ध्यान रखिएगा।
मध्य प्रदेश में अगर टोटल बाघ अगर आपसे पूछा जाए तो 785 आपको टिक करना है 2022 के अनुसार, है ना। 2022 में रिपोर्ट आया था जिसमें उसके अनुसार अभी मध्य प्रदेश में टोटल अभी दोस्तों 785 बाघ है, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में टोटल कितना बाघ है तो 3167 बाघ है वर्तमान में भारत में, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। तो ये परमाणु पावर मिसाइल है दोस्तों, ये किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है ये आपसे पूछा गया है। अक्टूबर 2023 में इसको परीक्षण किया गया था, है ना। तो इसको जो परीक्षण किया गया था, देखिए आप पिछले एक साल का करेंट अफेयर आप ध्यान में रखना है ना, पिछले एक साल का करेंट अफेयर के लिए आप एक वार्षिकांक ले लेना है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है वो हम भी आपको बताते चल रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूस, है ना, रूस के द्वारा दोस्तों व्यूरवेस्टनिक जो ये सफल परीक्षण किया गया था, ये परमाणु पावर मिसाइल है, ये रूस के देश के द्वारा आपको ये परीक्षण किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। और अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 31 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों, है ना। गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है ये 0.5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहां से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां से आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अवतल दर्पण के द्वारा अगर पूछता दोस्तों, तो अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर। 32 प्रश्न कह रहा है कि सही कथन यहां पर आपको बताना है, सही कथन कौन सा है, तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है, क्या ये सही है, नहीं गलत है। सही कथन पूछ रहा है, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण दिशा दोनों होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है, आंसर यहां से हो जाएगा आपका बी नंबर ही ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं, 32 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। 33 कह रहा है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का तापमान, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। 33 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा जो है ये चालक का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जिनका भी है वो बिल्कुल ठीक है, आप अपना अपना कमेंट करते चलना है कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, है ना। चलिए 34 नंबर जवाब देना है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार, है ना। गजब का गर्मी है ना, गजब का गर्मी है भाई, एकदम जबरदस्त गर्मी है। चलिए इसका आंसर क्या होगा 34 का, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, क्या होगा। थर्टी फोर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर, कि ओ एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, भाई ओम होता है, है ना। एमीटर जो है विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है, एमीटर जो होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 प्रश्न कह रहा है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या पोटोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर वोल्टमीटर, है ना, विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर। अगला प्रश्न 36 नंबर है, निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो संघनन बहुलक का है, संघनन बहुलक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, संघनन बहुलक का उदाहरण ऑप्शन है टेरिलीन, ओरलॉन, आइसोप्रीन या पॉलीथीन। 36 का हो जाएगा आपका टेरिलीन,
है ना, टेरिलीन जो है दोस्तों ये है आपका संघनन बहुलक का उदाहरण, ठीक है, याद रखना है। और यह एक पॉलिएस्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 नंबर कि अम्लीय माध्यम में फिनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है दोस्तों, है ना, फिनोल्फथैलीन का रंग कैसा होता है। फिनोल्फथैलीन का जो रंग होता है गुलाबी होता है, पीला होता है, रंगहीन होता है या नारंगी होता है, कैसा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रुधिर वर्ग ए बी में क्या होता है, बताइए। रुधिर जो होता है यानी ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी, तो ए बी में क्या होता है, है ना, कोई प्रजनन नहीं होता है, कोई प्रतिरक्ष नहीं होता है, जामन गुण अनुपस्थित होता है, केवल ए प्रतिजन होता है। देखिए ए बी में कोई प्रतिरक्ष नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ए बी में कोई प्रतिरक्ष नहीं होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। अच्छा एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ए बी जो जिनका भी ए बी ब्लड ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है ना, इसी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही भी कहते हैं, यानी कि ये सभी से ग्रहण कर सकते हैं आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39 नंबर। 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, है ना, पीएच मान 7 से अधिक किसका है, 7 से अधिक किसका है, तो रक्त, सिरका, गैस्ट्रिक जूस या नींबू का रस, 7 से अधिक कह रहा है, हाँ तो 7 से अधिक जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, है ना, रक्त प्लाज्मा जो हो जाएगा दोस्तों इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से ज्यादा रखता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका इमली में कौन सा अम्ल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, है ना, इमली खाते हैं ना, तो बताइए इमली में कौन सा अम्ल होता है। अगर पूछे दोस्तों सिरका, है ना, सिरका का अगर पूछ लेता कि सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है पता है, चलिए एक बार बता देता हूं, सिरका का पीएच वैल्यू याद रखना है 2.4 से लेकर के 3.4 तक होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू जो होता है ये 1.5 से लेकर के 3.5 तक होता है, है ना, नींबू का कितना होता है, है ना, ये आपको बताइएगा जल्दी से, नींबू का कितना होता है पीएच वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कह रहा था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, है ना, तो इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, तो इमली में जो अम्ल होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, है ना, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। और कौन सा विटामिन होता है ये भी आप बताइएगा, विटामिन ई, ठीक है। चलिए लैक्टिक अम्ल किस में होता है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल होता है दही और खट्टे दूध वगैरह में, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है। और भी क्या है भैया, मैलिक अम्ल, हाँ मैलिक अम्ल होता है आपको सेव में, ठीक है, मैलिक अम्ल जो होता है वो सेव खाते हैं उसमें रहता है, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर, कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है, प्रतिवर्ती क्रिया किससे नियंत्रित करते हैं, केंद्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, है ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया जो नियंत्रित होती है वो आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर आपका, ठीक है, ए नंबर आपका ठीक आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर। 42 कह रहा है कि अनुवंशिकी अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर की तरह उपयोग किया जाता है, है ना, अनुवंशिकी अभियांत्रिकी में मॉलिक्यूलर सीजर किस तरह उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो उपयोग होता है ना, अनुवंशिक इंजीनियरिंग में, अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर जो है इसका जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की तरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, काफी टेढ़ा नाम है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज की तरह, ठीक है,
अगला प्रश्न है 43 नंबर की, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है किस चीज का? है ना, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले जो उपयोग करता है वो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ठीक है, याद रखिएगा ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, है ना, ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है दोस्तों ये कहाँ पे होता है? तो ग्लाइकोजन का संग्रह अगर आपसे पूछे तो यकृत में होता है। यकृत का मतलब लीवर, है ना, तो यकृत और पेशियों में इसका संग्रह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 44 नंबर। 44 कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सी कार्य नहीं किया जाता है, बताइए अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है? तो प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, डिंब का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्राव, क्या होगा दोस्तों अंडाशय के द्वारा क्या नहीं होता है? तो नहीं होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन का स्राव नहीं होता है। बाकी ये तीनों सही है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर की, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को तो अनुवंशिक कहते हैं, है ना, कि माता पिता से जो बच्चे में डायरेक्ट आ जाता है उसी को तो अनुवंशिक ही कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुवंशिकता इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना, यानी कि जीन भी इसको कहते हैं, जीन अनुवंशिकता। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक जो होती है वो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो सबसे अधिक रहेगा एनपीपी वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे होता है दोस्तों? जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है ना, इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक ना, इसी को सदाबहार वनस्पति जब हम पढ़ाए हैं आपको तो क्लास 6 में भी ये पढ़ना है, आपका 9 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पर मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर की, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं वो शामिल है? ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं वो किस क्या चीज में शामिल है, क्या होगा दोस्तों? 47 का आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत ताप विद्युत संयंत्र कार्बन उत्सर्जन में ये वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है खाली स्थान में आपको यहाँ पर भरना है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन सा मौजूद होता है? ठीक है, प्रथम पोषी स्तर पर होता है दोस्तों स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी जो होता है ये प्रथम आपको पोषी स्तर पे मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है ना, याद रखना है पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य। ठीक है, वो ध्यान रखना है, सूर्य है, और जिसके द्वारा ही विकिरण के द्वारा, है ना, प्राप्त होती है सारी ऊर्जा, और हरे पौधे और ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? है ना, बाढ़ तो आखिर सबसे ज्यादा उत्तर बिहार में हर साल आते रहता है। ठीक है, और कोसी को कहा भी जाता है, तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, सबसे उत्तम विधि यहाँ पर क्या होने वाला है? तो वन रोपण, है ना, सबसे उत्तम विधि अगर पूछे तो वन रोपण हो जाएगा। ऐसे वन उन्मूलन तो होगा नहीं, शहरीकरण भी नहीं होगा, चराई भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका वन रोपण। जब तक जंगल लगाइएगा तो उससे बाढ़ पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ये पूछ रहा है किसके द्वारा दिया जाता है पारिस्थितिक तंत्र में, तो पारिस्थितिक तंत्र वाई आकार का वाला पूछ रहा है दोस्तों, वाई आकार हो जाएगा आपका ओडम के द्वारा। ठीक है, वाई आकार आंसर हो जाएगा ओडम, है ना, वाई आकार ओडम, वाई आकार ओडम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51 नंबर, 51 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? चलिए अब सामाजिक विज्ञान में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट आया कब था, ना, तो 1919 में आया था, ये तो पता है ना। रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था दोस्तों, ये लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 1919 में और भी कुछ कुछ घटना हुआ था, आपको याद होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, वो भी हुआ था 1919 में ही, 13 अप्रैल, ठीक है, तो जालियांवाला बाग को भी कभी भूलना नहीं है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी आपको ध्यान रखना है। अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, ठीक है, और किसके विरोध में हो रहा था, तो देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए वहां पर आपको सभी लोग जमा हुए थे, इकट्ठा हुए थे और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर, याद रखिएगा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना, इसकी वजह से। प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसमें ऊषा मेहता का क्या योगदान है, ये आपसे पूछ रहा है ना, तो ऊषा मेहता का क्या योगदान है भाई, बताइएगा 52 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऊषा मेहता जो थी ना, ये भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था आपका, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो बेला में गुप्त रेडियो कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु ये जानी जाती है, ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु ऊषा मेहता को ख्याति प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 नंबर, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, देखिए नाइटहुड की उपाधि किसको दिया गया था ना, पहले के समय में भी उपाधि दिया जाता है, जैसे अभी भारत रत्न मिलता है, भारत पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण दिया जाता है, उसी प्रकार से पहले दोस्तों उपाधि दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, तो नाइटहुड की उपाधि दिया गया था दोस्तों आपको रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपना ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे अंग्रेजों को, याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और ये वह रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय गान है हमारा, इनके द्वारा ही लिखा गया है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, वो भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं होगा, है ना, ये आपको बताना है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तो ये भी ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय 1933 आपका गलत है। देखिए सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा हुई थी ये डेट आप यहां से याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में हुई थी दोस्तों, 33 नहीं 16 अगस्त 1932, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 55 कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कावर ताल किस जिले में स्थित है ना, बिहार का ये पहला है तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, रामसर स्थल के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो रामसर के बारे में अभी पूरा यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है, तो बिहार का पहला जो रामसर स्थल था वो कावरताल झील है, और ये कावरताल झील कहां है, तो ये है आपको बेगूसराय में है ना, बेगूसराय में है, सबको पता है ये बेगूसराय में है, और ये 2020 में दोस्तों है ना, 2020 में ये भारत का 39वां रामसर साइट इसको घोषित किया गया था, याद रखना है। कावर झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, मैंने गोखुर झील के बारे में आप लोग को कई बता बताया हूँ, गोखुर झील का जो निर्माण होता है ना ये किससे होता है, नदी के द्वारा होता है, जब नदियाँ बहती है ना तो बरसात के समय में नदी यहाँ तक पहुँच जाती है और गर्मी के दिन में फिर यहाँ आ जाती है, तो ये वाला भाग क्या हो जाता है, कट जाता है और ये झील का निर्माण हो जाता है, इसी को कहते हैं गोखुर झील, है ना। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में अभी टोटल कितने रामसर साइट हैं, और प्रथम अगर पूछे कि भारत में प्रथम रामसर साइट कौन सा है, तो प्रथम रामसर साइट हो जाएगा भारत का, वो हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है, तो ये है आपको उड़ीसा राज्य में, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, और ये भारत के सबसे बड़ी मीठे खारे पानी की झील है। टोटल अभी भारत में रामसर साइट की संख्या टोटल 80 है, 2024 तक, मार्च 2024 की ये आपका, आपको अपडेट बता देता हूँ,
कि मार्च 2024 तक भारत में भी टोटल रामसर साइट कितने हैं, तो 80 है, ये भी आप यहाँ से याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछेगा रामसर साइट से कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य के में है, तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितने हैं, टोटल 16 है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। एक चीज और पूछेगा दोस्तों रामसर से कि रामसर जो है सम्मेलन ये किस इस शहर में, किस देश में स्थित है, हाँ ना, तो ये रामसर जो है ना, ये रामसर आपको कहाँ स्थित है, तो ईरान में है, कहाँ है, ईरान में है ये रामसर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। रामसर का मतलब क्या हो गया, रामसर साइट विश्व आर्द्र भूमि, है ना, विश्व आर्द्र भूमि पर एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था, और उसी समय से दोस्तों यानी कि वेटलैंड, है ना, रामसर मतलब ये विश्व आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड दिवस, इसीलिए इसको वेटलैंड भूमि इसको मतलब घोषित किया जाता है, प्रत्येक देश अपना अपना, ठीक है। तो अगर टोटल पूछे, टोटल अभी कितने हैं रामसर साइट, 80 है, है ना, भारत में ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक तमिलनाडु में 16 रामसर साइट है। चलिए अगला प्रश्न ले चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए ना थोड़ा सा, है ना, वीडियो को थोड़ा सा सभी लोग क्या करना है, लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे कहाँ पर, 7857824310, ठीक है। और अभी जो आपका चार्ज था 399 उसको घटा करके 299 कर दिया गया है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। कई बार आप लोगों को बताए हैं काकोरी कांड, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925, है ना, पूरा डेट आप जरूर याद रखिएगा, है ना। कुछ कुछ जो कांड हुआ था, कुछ कुछ जो घटनाएं हैं उसका पूरा डेट एग्जाम में पूछता है, है ना, कुछ कुछ घटना है, जैसे कि आपका पूरा डेट पूछ लेगा एक जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, काकोरी जो पूरा डेट आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका हो गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए काकोरी षड्यंत्र क्या था, काकोरी षड्यंत्र दोस्तों ये आपको ये उत्तर प्रदेश में हुआ था ये घटना, है ना। तो काकोरी रेलवे स्टेशन के समीप 8 डाउन ट्रेन, याद रखिएगा, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, इसको क्रांतिकारियों के द्वारा क्या किया गया था, लूट लिया गया था, है ना। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था, तो विचार जो दिया था वो राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे, है ना। एक पूछेगा कि सरकारी खजाना लूटने का विचार किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल। और इस कांड में कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसमें शामिल थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, और इन सभी को फांसी दे दिया गया था 1927 में, फिर इनको फांसी दे दिया गया था दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57 नंबर। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। देखिए बंगाल का विभाजन कब होता है, तो 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये बंगाल विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, याद रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा, दो तीन डेट आप यहां से याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई, है ना, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, लेकिन इस लागू कब हुआ था, है ना, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, घोषणा 19 जुलाई को और लागू हुआ था 1905 को, 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, है ना, रद्द कर दिया गया था दोस्तों, हुआ था आपको दिल्ली दरबार, आपको याद होगा 12 दिसंबर 1911 में, है ना, तो 1911 में हुआ था क्या, दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली में जॉर्ज पंचम के आया थे, है ना, तो उसी समय इसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका दोस्तों कहाँ पर, जल्दी से बताइएगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ये हुआ था आपको कहाँ, तो पटना में हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, है ना, आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये सम्मेलन हुआ था पटना में, और पटना में कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था, पटना में कब हुआ था, 1934 में हुआ था पटना में भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन। इसके अध्यक्ष अगर पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा नरेंद्र देव जो थे इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक ना। चलिए बढ़िया है,
बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 59 नंबर। देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मन लगता है, अच्छा लगता है, है ना, उससे हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। और पैसा के लिए अगर रहता दोस्तों तो हम यूट्यूब पर पढ़ाते ही नहीं, है ना, जो फ्री में आप लोग को यूट्यूब पर जो वीडियो मिल रहा है ये नहीं मिल पाता, ठीक ना। बहुत सारे टीचर ऑफर किए कि हमारे यहाँ पढ़ाइए, लेकिन मैंने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक क्या है? वो मात्र जो आपका पीडीएफ का 200-400 रुपये जो चार्ज लेते हैं, मात्र पीडीएफ बनाने का, है ना, वो सारे का चार्ज लेते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका चार्ज आपका 1000-2000 लग जाता, ठीक ना, लेकिन इसीलिए हम इसको फ्री कर देते हैं। चलिए बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना, अच्छा लगता है। देखिए अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? है ना, जल विभाजक पूछ रहा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। ये जो है दोस्तों, ये क्या है, जल विभाजक का कार्य करता है, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दोस्तों होने के वजह से ही दोस्तों आज भारत का जो थार का मरुस्थल बन गया है, है ना। सह्याद्री पर्वत होने से भी दोस्तों, आप देखिएगा सह्याद्री पर्वत होने से ना आपका जो, जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, इसी को कहते हैं सह्याद्री पर्वत, है ना। तो यहाँ पर तो बारिश हो जाती है, लेकिन इसके ई वाला भाग पर बारिश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये सह्याद्री पर्वत यहाँ पर रोक देता है, आगे चला जाता है मानसून, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी की वजह से भी जो बीच वाला जो भाग है ना, मध्य भारत है, यहाँ पर थोड़ा सा कम बारिश हो पाता है। तो ये सब जो सारे हैं ना, जल विभाजक का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 60 नंबर। कौन सा द्वीप जो है वो कोरल द्वीप नहीं है? है ना, देखिए कोरल द्वीप के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कोरल द्वीप यहाँ पर कौन सा नहीं है। बरमूडा द्वीप समूह है, मालदीव है, लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। द्वीप किसको कहते हैं? वैसे मतलब भूखंड जिसके चारों ओर क्या हो, मान लीजिए भूखंड है, इसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, इसी को क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, है ना। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सारे क्या है, द्वीप है, है ना। जैसे मालदीव, जिसमें भी द्वीप जुड़ गया दोस्तों वो द्वीप है, है ना। श्रीलंका भी एक द्वीप है, क्योंकि श्रीलंका के भी चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है। तो वैसे जो भूखंड किसके क्या हो, जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, उसी को हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा कह रहा है कि कोरल द्वीप नहीं है, तो कोरल द्वीप यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार जो है ये कोरल द्वीप में नहीं आता है, ध्यान रखना है। भारत में भी टोटल कितने दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग नो पता होगा, बिल्कुल गलत भाई, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 61 नंबर। 61 कह रहा है कि भारत में मॉनसून आगमन को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ आता है मॉनसून, कई बार बताए हैं कि सबसे पहले भारत में मॉनसून अभी आने वाला है, है ना, आने वाला है। आज कितना तारीख है, आज तारीख होगी 28 के 29 है, आज 28 ना है, हाँ तो 28 है ना, तो 1 तारीख को आ जाएगा। कहाँ आएगा, तो केरल में आएगा। केरल में कब आएगा, तो 1 जून को आता है, ठीक है, 1 जून को आता है। सबसे पहले कहाँ आएगा, केरल। अब देखिए केरल वाला जो है वो सबसे पहले है, केरल है, ठीक है। केरल के बाद कहाँ जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल में जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश जाएगा, फिर राजस्थान जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल में मॉनसून टकराने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा हो जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है, है ना। बंगाल की खाड़ी की शाखा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, मेघालय में जाएगा, और जबरदस्त वहां पर दुनिया का सबसे अधिक बारिश करेगा दोस्तों मासिन राम में, है ना, जो विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, कहाँ, मासिन राम में। फिर मासिन राम में मेघालय में तीन पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर झमाझम बारिश होगी, और झमाझम बारिश होने के बाद ये मॉनसून जो है ये आपको बढ़ेगी किधर, ये बढ़ेगी दोस्तों आपको उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर, पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, है ना। पश्चिम बंगाल के बाद फिर बिहार आएगा, बिहार के बाद यूपी जाएगा, यूपी के बाद फिर दिल्ली जाएगा, राजस्थान जाएगा, है ना। तो ये मतलब कि फिर धीरे धीरे मॉनसून फैल जाता है। पूरे भारत में मॉनसून सक्रिय कब होता है, 15 जुलाई को। आता कब है, तो आता है 1 जून को, है ना। तो देखिए इस बार मॉनसून कब आता है, ऐसे 1 जून को ही मॉनसून आता है, सबसे पहले केरल राज्य में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैंने कई बार आप लोग को दोस्तों इस प्रकार के सवाल, आपको मैप वाले सवाल
बता चुके हैं, चलिए फिर से आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है आपका भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में कुछ पूछ रहा था दोस्तों बांग्लादेश से, है ना, कहाँ गया भैया, ये है बांग्लादेश की सीमा को छूता है। तो बांग्लादेश की सीमा को छूने वाला सबसे पहले यहाँ है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है आपका असम, नीचे है मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ठीक है, तो कितना हो गया, पाँच, टोटल कितने हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे दोस्तों, 62 का पांच राज्य, ये पांचों राज्य याद रखना है, पश्चिम बंगाल सबसे पहले, पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आपका असम, फिर हो जाएगा मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, है ना, ये पांच राज्य आपको याद रखना है। सबसे अधिक लंबी सीमा जो भारत का बनता है वो बांग्लादेश के साथ ही बनता है, कितना लंबा है, 4096.6 किलोमीटर, है ना, सबसे अधिक लंबाई वाला सीमा कौन सा है, बांग्लादेश के साथ ही है दोस्तों, है ना, तो ये 4096.6 किलोमीटर आपको याद रखना है, पांच राज्य टोटल सीमा बनता है, बांग्लादेश के साथ बनता है। ठीक है, हाँ, एक सवाल यहाँ पर और पूछेगा कि वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर ये जो चित्र बनाया हूँ, तो इधर बांग्लादेश, नीचे बांग्लादेश और इधर बांग्लादेश, यानी कि ये जो त्रिपुरा है ना, तो त्रिपुरा जो है दोस्तों ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, याद रखना ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 63 नंबर, 63 कह रहा है कि वृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। देखिए आप लोगों को हिमालय जब पढ़ाए हैं, है ना, तो हिमालय पढ़ाए हैं, तो हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, है ना, हिमालय को तीन श्रेणी में है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना, तो ये ग्रेटर हिमालय यानी इसी को कहते हैं महान हिमालय भी, है ना, इसी को महान हिमालय कहते हैं, इसी को ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी इसको कहा जाता है, है ना, इसी को कहते हैं हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री क्यों कहते हैं दोस्तों, हिम, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, है ना, तो ये हिम वाला जगह है, यहाँ पर सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है, यही कारण है कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती है वो बारहमासी होती है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर गर्मी के समय में ये बर्फ पिघलता है और नदी में पानी मिल जाता है इसको, तो इसीलिए सालों भर इसका पानी रहता है, इसलिए बारहमासी भी इसको कहा जाता है। तो हिमालय का जो दूसरा नाम हो जाएगा बृहत हिमालय का, वो हो जाएगा हिमाद्री हिमालय, ठीक है, इसी को महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां यहीं पर है, है ना, दुनिया की सबसे अधिक चोटी कहाँ है, तो इसी में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 64 नंबर है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, बताइए कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, उत्तरी सूडान, स्पेस, माली, यमन। कर्क रेखा, कर्क रेखा दोस्तों जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले मैं इसका आंसर बता दूं आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 64 का, रे भैया क्या हो गया, 64 का, मैं पेन चेंज कर लूं थोड़ा सा, 64 का आंसर हो जाएगा आपका माली, है ना, ऑप्शन के अनुसार ये माली से होकर के गुजरती है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश होता है। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो यही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, आठ राज्य से होकर के गुजरती है। ये आठ राज्य आपको याद है, मित्र पर गमछा झार, नाम सुने होंगे ना, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है आपका, है ना, मित्र पर गमछा झार, ये तो ट्रिक है, लेकिन अगर आपसे क्रम से पूछ लिया जाए, जैसे सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, ना, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, ये आठ गो राज्य है जहां से गुजरती है दोस्तों आपको कर्क रेखा, याद रखना है, याद रखना है ना, याद हो जाएगा। और भारत का मानक समय रेखा का मान कितना है, भारत का जो मानक समय रेखा है दोस्तों ये आपको पांच राज्य से गुजरती है, ठीक है, भारत का मानक समय रेखा पांच राज्य से, और इसका मान कितना है भारत का मानक समय रेखा का, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, याद रखना है, पांच राज्य से गुजरता है भारत का मानक समय रेखा, कौन कौन, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको यहां से याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है। देखिए बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व, है ना, अगर बात करें हम भारत की, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, तो बिहार में है। अब बिहार का, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे अधिक बिहार में, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, खद खद कर रहा है यहाँ पर जनसंख्या, है कि नहीं, तो इसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा आपको बिहार है, भारत में 1106 है। सबसे अधिक अगर बात करें दोस्तों बिहार में, तो हो जाएगा शिवहर, शिवहर में सबसे ज्यादा है, है ना, शिवहर के बाद हो जाएगा पटना, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद बेगूसराय। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है आंसर, ये गलत है, ये वाला भी गलत है, सी नंबर आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है बिहार में वो है आपका शिवहर का, शिवहर का कितना है, तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है,
अगर बात करें पटना का, तो पटना का है 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करें दरभंगा का दोस्तों, तो ये इसका है 1728 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करें अगर वैशाली का, तो वैशाली का है 1717, है ना, 1717 याद रखना है, 1717 है। और बेगूसराय का जनसंख्या घनत्व है आपका 1549। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं बिहार के। अगला प्रश्न है आपका 66 का है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सुभाष चंद्र बोस जो थे दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, याद है आपको, 1939 में। जी हाँ, 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। और दोस्तों किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे, तो वो थे पट्टाभि सीतारमैया। जी हाँ, पट्टाभि सीतारमैया को हरा करके ये अध्यक्ष बने थे। फिर उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिए थे और 1939 में ही दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे, याद रखना है। और 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में, हरिपुरा, उसमें भी दोस्तों ये अध्यक्ष बने थे आपका, ठीक ना। चलिए आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, है ना। कोरियोलिस बल जो होता है ये किस कारण होता है, ये आपको बताना है। तो एक प्रभावी कोरियोलिस बल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ये किस कारण होता है, जल्दी से बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये कोरियोलिस बल होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर कि मौलिक अधिकार क्या है। चलिए अब देख लेते हैं पॉलिटी से थोड़ा सा सवाल, मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें दोस्तों कि मौलिक अधिकार अभी भारत में कितने हैं, तो अभी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 6 है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकार कितने भाग में है, तो ये भाग नंबर 3 में है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल सही, आपातकालीन में ही दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित होता है, है ना। ऐसे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है, याद रखना है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 21 निलंबित नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर कि भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्यों की राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है दोस्तों, है ना। राज्य के नाम की सूची और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है, कौन सा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए, अनुसूची के बारे में आप लोग को कई बार बताए हैं, अनुसूची अभी टोटल भारत में कितने हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 12 अनुसूचियां की जो पहली अनुसूची है, है ना, पहली अनुसूची में यही कहा गया है, क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा का वर्णन किया गया है दोस्तों, पहली अनुसूची में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। हाँ, और अनुच्छेद अगर एक की बात करें, है ना, अगर बात करें अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद एक में है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों, 70 का क्या हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका संबंध है, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका संबंध है। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है, संसदात्मक शासन प्रणाली जो ली गई है ये ली गई है ब्रिटेन से, है ना, याद रखिएगा, ब्रिटेन से ली गई है संसदात्मक शासन प्रणाली, है ना, कई बार क्वेश्चन पूछता है। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाले चावल की फसलें के स्थानीय नाम क्या है, है ना। उत्तरी भारत में दोस्तों ठंडे के समय में जो चावल का उत्पादन होता है उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछ रहा है उत्तरी भारत में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमन, साली और अगहनी, है ना, अगहनी, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी को, है ना, अमन, साली और अगहनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, शीतकाल में उत्पादन ये
होता है इसको रवि फसल, शीतकाल में कौन सा फसल होता है? रवि फसल होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए ये जो फसल है ना ठंडा के समय, क्योंकि आपको जो भारत के जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तो यहां पर गेहूं नहीं होता है, यहां पर मतलब चावल ही होता है। तो ये ठंडा के दिन में जो यहां पर चावल होता है वही आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे कि आपका जो इसमें राज्य आ जाएंगे असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो राज्य है उस राज्य में इस प्रकार के आपको उत्तरी भारत शीतकाल में उपजाई जाने वाली फसल, यहाँ पर उत्तरी भारत लिख दिया थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि ये उत्तरी भारत में नहीं आते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में, क्योंकि ठंडा के दिन में भी वहाँ चावल होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा 72 नंबर। 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी है ना, हीरा महान है, हीरा क्या है? महान है, आप लोगों को कई बार बताए हैं, हीराकुंड, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध क्या हो जाएगा? महानदी पर स्थित है। आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए महानदी पर बहुत सारे बांध हैं, एक तो हीराकुंड बांध है, बिल्कुल सही बांध है, है ना, हीराकुंड बांध हो जाएगा, घुमरा पदर बांध हो जाएगा, ये भी ठीक है, है ना, दुधावा बांध हो जाएगा, ये भी ठीक है, हीराकुंड भी हो जाएगा, है ना, ये सारे बांध है आपके, कोयना नहीं होगा। ये तीनों जो बांध है ये किस पर है? महानदी पर है, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73 नंबर, और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 10 से 15%, 10 से 15%। संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 74 नंबर। 74 कह रहा है कि असत्य मेल को यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर चुनना है असत्य कौन सा है, बताइएगा जल्दी से असत्य कौन सा है। अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड है, अच्छा अनुच्छेद 48 में समान नागरिक, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, अनुच्छेद 48 में है क्या समान नागरिक, अनुच्छेद 44 में, ये तो गलत है। अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, देखिए 50 भी गलत दे दिया है। अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, 49 भी आपका गलती है, है ना, 49 भी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण दोस्तों है आपका 49 में, ठीक है। 40 में ग्राम पंचायत, 40 भी गलत है, 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, सारे गलत दे दिया भैया, सब गलती यहां पर दे दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एक से अधिक हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी गलती है भाई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना, एक से अधिक हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ध्यान रखना है, सब गलती दे दिया है, ठीक है ना, ये जितने अनुच्छेद हैं सब गलती है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है, बताइए किसने कहा था? संविधान के बिना सरकार और अधिकार बिना शक्ति के, अधिकार के बिना शक्ति के समान है, ये कथन किसका है ये पूछ रहा है आपको, है ना, थॉमस पेन, जी हाँ इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पेन, कहाँ गया थॉमस पेन, तो है ये नहीं है, तो थॉमस पेन नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। थॉमस पेन का ये आपका कथन था कि संविधान के बिना सरकार और अधिकार बिना शक्ति के समान है, आंसर नंबर ई हो जाएगा, ठीक ना। थॉमस पेन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है राइट्स ऑफ मैन, है ना, थॉमस पेन की एक पुस्तक याद रखिएगा राइट्स ऑफ मैन, ये पुस्तक आपको पूछा जाता है, है ना, थॉमस मैन जो थे एक विचारक थे और ये अमेरिका के थे। चलिए तो ये रहा आज का प्रश्न, ये समाप्त हो गया, कैसा लगा आज का टेस्ट आप लोग बताइएगा, और कितना कितना आप लोग सही किए ये भी बताइएगा, है ना, कितना आपने स्कोर किया 50 में। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा,
नया वाला पीडीएफ मिल जाएगा, पीछे वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा डीएलएड और समान अध्ययन का, ठीक है। ये जो चार्ज था इसको आपको मात्र 299 कर दिया गया है, है ना, मात्र 299 में आपको ये सारा मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है फ़ोन पे गूगल पे, जहाँ आप हमारे यहाँ जुड़ करके ले सकते हैं। थैंक यू। तो रहा आज का क्लास समान अध्ययन का, कल हम लोग देखेंगे डीएलएड का टेस्ट, ठीक है। कल हम लोग डीएलएड का टेस्ट कर लेंगे और आज 30 टेस्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये नंबर आपको क्या करना है, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, है ना, और व्हाट्सएप में जा करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।